लाइट वेव्स के बारे में तो हमें पता है कि लाइट वेव्स भी इसी तरह से ट्रेवल करती हैं जिस तरह से साउंड वेव्स या वाटर वेव्स ट्रेवल करती हैं। लेट्स से कि अगर वाटर वेव्स या साउंड वेव्स इस तरह से अगर हमारे पास अमल करें कि वो दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करें, लेट्स से कि हमारी वेवलेंथ ए है, इसी तरह से हमारे पास कोई एक मजीद वेवलेंथ बी आ जाए और ये आपस में इस तरह से अमल करें, इस तरह से इंटरफेरेंस करें कि एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर दें, यानी कि एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का क्रस्ट आ जाए और एक के ट्रफ के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ जाए, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वेवलेंथ हासिल होती है उसका एम्पलीट्यूड पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। इस चीज़ को हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसे हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। सुपर पोजिशन ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो वेवलेंथ आपस में इस तरह से मिले कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर दें, इसे हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर ये वेवलेंथ इसकी जो वेवलेंथ है वो भी लैम्डा ही है और इसकी वेवलेंथ भी लैम्डा है, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो एक नई वेवलेंथ बनेगी वो भी लैम्डा ही होगी। फर्क क्या होगा? फर्क ये पड़ेगा कि इनका एम्पलीट्यूड जो नई बनने वाली वेवलेंथ है उसका एम्पलीट्यूड पहले दोनों वेव का सम हो जाएगी, यानी कि इस तरह से कि अब हमारे पास जो वेवलेंथ आई है वो वेवलेंथ ए प्लस बी का सम है। इस तरीके से ये हमारी वेवलेंथ ए थी, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारी वेवलेंथ ए है। सिमिलरली ये हमारी वेवलेंथ बी है जो कि इसके साथ ही है, बिल्कुल चूंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम ही है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये वेवलेंथ बी है। और अब एज अ रिजल्ट एज अ सुपर पोजिशन जो वेव हमारे पास हासिल होगी वो ए प्लस बी के इक्वल होगी, जिसे मैं कह देती हूँ लेट्स से कि वो वाई है। तो अब इन दोनों का रिजल्ट जो हमारे पास वेव आएगी वो इस तरह से आएगी, इस तरीके से। तो ये इन दोनों का सम था जिसका एम्पलीट्यूड एज कम्पेयर टू इन दोनों वेव के दोनों वेवलेंथ के ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा ट्रफ, ये इन दोनों के ट्रफ के मुकाबले में बहुत ज्यादा बन जाता है। इस चीज को हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। और सुपर पोजिशन का ये जो फिनोमिना है ये ना सिर्फ साउंड वेव्स में वाटर वेव्स में बल्कि ये लाइट में भी ऑकर होता है। इस वजह से हम लोगों ने लाइट में भी इसे बता दिया कि लाइट वेव अगर किसी कोहेरेंट या मोनोक्रोमेटिक तौर से प्रोड्यूस हो रही है तो वो लाइट वेव्स भी अगर आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करें, इस तरह से आपस में अमल करें कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर दें, तो इसे हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। इसके अलावा अगर अगर कोई दो वेव्स आपस में इस तरह से अमल करें कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ही नल कर दें, जीरो कर दें, जैसे कि ये वेव ए है और ये फर्स्ट कह लीजिए कि ये हमारी मेन पोजिशन है जिसपे वेव ए प्रोड्यूस हुई है, इसी तरह से ये वो वेव बी है जैसे कि ये हमारी वेवलेंथ बी है, और ये आपस में अगर इस तरह से अमल करें कि एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ही जीरो कर दें, तो इसे भी हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। कि अगर दो वेव लेट्स से कि यहाँ पर मुझे ए लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेव ए ने वेव बी के क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया है तो एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया है, तो इस चीज को भी हम लोग सुपर पोजिशन कहते हैं। हमें मालूम है कि पाथ डिफरेंस का जो जो टर्मिनोलॉजी है पाथ डिफरेंस हम तब कहते हैं कि एक वेव दूसरी वेव से कितना आगे या कितना पीछे है, इस चीज को हम लोग जो है वो पाथ डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर मुझे पाथ डिफरेंस को, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक लैम्डा है वेवलेंथ है और इसी तरह मेरे पास एक मजीद एक वेवलेंथ है जो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से जा रही है, तो मैं आसानी से बता सकती हूँ कि इसके और इसके दरमियान जो फासला है वो लैम्डा बाय टू है, ये इसका पाथ डिफरेंस है। लेकिन अगर मुझे पाथ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फेज एंगल बताना हो, फेज डिफरेंस की सूरत में बताना हो, ये तो पाथ डिफरेंस है ना, लेकिन अगर मुझे इस पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस के शक्ल में बताना हो तो मैं किस तरह से बताऊंगी? मुझे मालूम है कि फेज का मतलब होता है एंगल, जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक सर्कल है तो सर्कल में जो टोटल एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं, और सर्कल की इस हाफ पार्ट में यानी कि सेमी सर्कल की बात की जाए तो यहाँ पर पाई एंगल होते हैं और इस जगह पूरे कंप्लीट सर्कल में 2π एंगल होते हैं। सिमिलरली अगर इसी तरीके से वेव की कंडीशन को आप देखें तो आप जान जाएंगे कि अगर ये एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है, देखा जाए तो जब आपके पास इतना हिस्सा कवर होता है तो आप कहते हैं कि आपने 90 एंगल ट्रेवल कर लिया है, और जब ये कंप्लीट हिस्सा ट्रेवल हो जाता है तो आप कहते हैं कि आपका 180 फेज डिफरेंस ट्रेवल हो चुका है।
और जैसे ही ये वेवलेंथ दोबारा नीचे आती है तो आप लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास 270 होगी, और जब ये वापस हो गया तो ये हमारे पास 2π या 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि हम जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कल में मूव करते हुए बॉडी के प्रोजेक्शन से कंपेयर किया था, तो ये चीज़ वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझी थी कि 90 कब होता है, 180, 270 और 2π कब होता है। जब आपके पास लैम्डा बाय 4 पार्ट कवर होता है तो आप कहते हैं कि आपका 90 एंगल कवर हो गया। इसी तरह 3 लैम्डा बाय 4 हो तो आपका 180, लैम्डा बाय 2 हो जाए तो 270 और कंप्लीट लैम्डा हो जाए तो इसका मतलब है आपका 2π या 360 जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये फेस डिफरेंस है। अगर हम लोगों को पाथ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फेस डिफरेंस बताना हो तो हम उसे पाई की फॉर्म में बताते हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक वेवलेंथ इस तरह से है, ये आपके पास एक वेवलेंथ लैम्डा है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से कि ये आपके पास पहली वेव ए है जिसका पाथ डिफरेंस है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। अब एक और वेव आप ले लीजिए, आप फर्ज कर लीजिए कि आपके पास जो दूसरी वेव है वो वेवलेंथ बी है, ये बी जो है वो इस उसकी वेवलेंथ भी लैम्डा ही है। लेकिन फर्क क्या पड़ा कि अब ये वेवलेंथ यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पर ये पहली वेवलेंथ खत्म हुई है। यहीं से आप मजीद एक्सटेंड करके मजीद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसे अगर मैं मजीद इस तरह से बताऊं कि अब इस वेवलेंथ में और इस वेवलेंथ में ये पॉइंट ए की वेवलेंथ है और ये आपकी जो पॉइंट बी है उसकी वेवलेंथ है, दोनों की वेवलेंथ जहां पर पॉइंट ए की खत्म हो रही है वहीं से पॉइंट बी की वेवलेंथ शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे आपको बताना हो कि रेसिंग में कौन सबसे आगे जा रहा है कौन सबसे पीछे, तो आप बताते हैं कि ये अगर कोई दो पर्सन है तो आप इस तरह से बताते हैं कि ये वाला पर्सन जो है वो दूसरे जाने वाले पर्सन से तकरीबन इतना किलोमीटर पीछे है या इतने मीटर्स पीछे है। सिमिलरली वेव के केस में भी हमें यही बताना होता है कि अगर ये वेव है तो ये वेव इस वेव से कितना पीछे है या वेव बी वेव ए से कितना गुना आगे है। अब आप देखें तो वेव बी जो है वो वहां से स्टार्ट हो रही है जहां से वेव ए एंड हो रही है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो है पाथ डिफरेंस वो लैम्डा है। अगर आप इसे इस तरीके से बताएं, क्योंकि आप लोगों को फेज डिफरेंस बताना है, तो अगर आप इस तरह से बताएं कि जो फेज डिफरेंस है हमारा इसे फेज लिखना चाहिएगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस है इन लैम्डा पाथ डिफरेंस। अब देखा जाए तो मैंने लैम्डा क्यों कहा, क्योंकि इतना फासला है, पहले मैं इतने फासले में मालूम कर लूं कि लैम्डा जब लैम्डा पाथ डिफरेंस आए तो उस वक्त फेज डिफरेंस क्या होता है। इसी मैंने यहाँ पर लिखा कि फेज डिफरेंस इन लैम्डा पाथ डिफरेंस देखा जाए तो वो एक कंप्लीट वेवलेंथ का फर्क है, क्योंकि ये आपकी वेव ए है और ये जहाँ पर एंड हो रही है वहीं से आपकी वेवलेंथ बी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये वेवलेंथ ए और वेवलेंथ बी के दरमियान तो लैम्डा का फर्क है। इसका मतलब है कंप्लीट लैम्डा जो है वो तो 2π में कंप्लीट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है इन लैम्डा जो फेज डिफरेंस है इन लैम्डा पाथ डिफरेंस वो आपका 2π है, क्योंकि आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जहां से आपकी वेव ए एंड हो रही है वहीं से वेव बी शुरू हो रही है और एक वेवलेंथ या एक कंप्लीट जो लैम्डा है वो 2π के इक्वल होता है। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक वेव को कंप्लीट होने के लिए 2π फेज डिफरेंस रिक्वायर्ड होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस एंड लैम्डा पाथ डिफरेंस जो है वो 2π है। तो अगर आपको ये बताना हो कि जो आपका फेज डिफरेंस है, इसे इस तरह से लिखते हैं कि अगर आपको ये बताना हो कि आपका डिफरेंस 1 लैम्डा नहीं है बल्कि सिंपली 1 है, जैसे कि आपको बताना होता है ना कि आप जैसे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर 12 रुपए में आपके पास 4 पेंसिल्स हैं तो 1 रुपए में आपके पास कितनी पेंसिल आती है। जैसे कि आप कहें कि अगर आपके पास 12 रुपए में तकरीबन 4 पेंसिल्स आई हैं तो 1 रुपए मतलब कि 1 पेंसिल कितने की आएगी, 1 पेंसिल कितने की आएगी, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप 12 से डिवाइड कर देते हैं 4 को, तो आपको मालूम हो जाता है कि 1 पेंसिल जो है वो 3 रुपए की आएगी। यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाना चाह रही हूँ कि आपने 4 पेंसिलें खरीदी हैं, 4 पेंसिलें आपने 12 रुपए में खरीदी हैं, लेकिन अब आपको 1 पेंसिल की कीमत चाहिए तो आप 12 से 4 को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास 3 रुपए आ जाती हैं पर पेंसिल। सिमिलरली ये वेवलेंथ जो पार्ट डिफरेंस है ये तो लैम्डा पार्ट यानी जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए कंप्लीट वेवलेंथ के लिए आपके पास 2π है, लेकिन आपको अगर सिर्फ फेज जो फेज डिफरेंस है वो 1 पार्ट डिफरेंस के लिए फाइंड आउट करना हो
तो आप इस तरह से करते हैं कि 2π/λ, इस तरह से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक फेज डिफरेंस के लिए जो है, एक पाथ डिफरेंस के लिए आपके पास फेज डिफरेंस निकल आएगा कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस एक हो तो उस सिचुएशन में जो आपका फेज डिफरेंस है वो 2π/λ होता है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो फेज डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है इन डी पाथ डिफरेंस, डी जो है वो पाथ डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एन नंबर कि मुझे एन नंबर तक जाना है। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ मुझे डी तक जाना है तो मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए 2π/λ (t), यानी कि यहाँ पर भी मैंने डी की एडिशन की तो इक्वेशन की दूसरी तरफ भी मुझे डी की एडिशन कर देनी चाहिए। अब पाथ डिफरेंस इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और जो पाथ डिफरेंस है वो बराबर है 2π/λ के। तो इसका मतलब है कि आपको जब कभी भी फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपके पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, आपके पास पाथ डिफरेंस डी होना चाहिए, आपके पास लैम्डा वेवलेंथ होनी चाहिए और 2π एंगल होना चाहिए। लैम्डा वो आपको खुद ही बता देंगे कि लैम्डा 2λ है, 3λ है, 4λ है, उस लैम्डा को यूज करते हुए आप पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो यानी कि डी निकालना हो तो उसे भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा को पाई से, लैम्डा को फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π, तो ये आपके पास जो है पाथ डिफरेंस निकल आएगा। इसी तरह से जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी आएगी, 12 रुपए। इसी तरह आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस दिया हो तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हो तो आप लोग पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये इसका प्रूफ था कि पाथ डिफरेंस को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, और ये इसका रिलेशनशिप भी था कि पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में रिलेशनशिप क्या है, और इस तरह से हम लोग किस तरह से पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर हमें ये मालूम हो कि एक वेव दूसरी वेव से कितने फासले पर है, उन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है।